साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल वन का परिणाम आज जारी नहीं होगा और कल ही स्थिति स्पष्ट होगी परिणाम कब जारी होगा। लेकिन साथियों, आप लोगों को सच बताना मेरा कर्तव्य है। आश्वासन उपेन यादव ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया था कि 25 से पहले परिणाम जारी कर देंगे और हमने अल्टीमेटम दिया था कि 24 तक जारी नहीं हुआ तो 25 को फिर आएंगे और फिर प्रदर्शन करेंगे और फिर कल जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि जब हमने कहा कि 25 तक आएगा तो तमाम कॉपी पेस्ट नेता कह रहे थे 25 तक आएगा, और जब मैंने सुबह वीसी में बोला उसकी कॉपी की नहीं आएगा, 4-5 दिन नहीं आएगा और कल हम प्रदर्शन करेंगे, उसके दबाव में जल्द परिणाम कल हो या परसों जारी होगा, तो वो कह देंगे देखो हमने कहा था परिणाम आएगा। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहो, ये केवल कॉपी पेस्ट करते हैं, ये इनसे दूर रहो, ये आप लोगों का भविष्य सुनहरा होना नहीं देखना चाहते, आपके सपना पूरा हो ये देखना नहीं चाहता, हमें लड़ना पड़ेगा। साथियों, आप कम से कम देखिए 3 अगस्त या 10 अगस्त को उपवास, फिर अनशन करना, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रयास करना, आप देखिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अब परिणाम निकालना कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में, आप सुबह से पूछ रहे थे परिणाम आएगा नहीं आएगा, कोई एक भी बोल रहा था नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उनको पता ही नहीं था। जैसे मैंने वीसी में सुबह बोला उसकी कॉपी करके सब बोलने लगे, फिर मैंने ट्वीट किया उसकी कॉपी करके वो डालने लगे। साथियों, केवल ये कॉपी पेस्ट है, केवल जब मैं कोई वीसी में बोलता हूं या वीडियो में बोलता हूं या ट्वीट करता हूं उसके बाद इनका मुंह खुलता है, नहीं इनको एबीसीडी पता नहीं है। तो साथियों, कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 दोनों भर्तियों के अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूं कल मैं अंतिम प्रदर्शन करूंगा आप लोगों के लिए, फिर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि आरपीएससी भी जाना है 4 तारीख को, उसके बीच में पीटीआई के लिए बीकानेर भी जाना है, स्वास्थ्य भवन भी जाना है, और सितंबर तक मैं और अन्य लोगों के लिए भी संघर्ष करूंगा क्योंकि सितंबर महीना हमारे पास है। तो आप चाहते हो कल का दिन आपके लिए सुनहरा हो, अच्छा हो, तो आप अधिक से अधिक संख्या में लेवल 1 लेवल 2 के अभ्यर्थी पूछिए, क्योंकि साथियों गुमराह करने वाले आप लोगों को बहुत है। कोई किसी ने कहा सुबह से कि आप परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले मैंने बताया क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये बताया तो आप लोगों को दुख हुआ, कई लोग मुझे उल्टा भला बुरा भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलता, सच बताना मेरा कर्तव्य है और आपके लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। चाहे आप कुछ भी खो, मैं आपके लिए आज भी लड़ रहा था, कल भी लड़ रहा था और फिर कल वापस लड़ूंगा आप लोगों के लिए। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा इन कॉपी पेस्ट नेताओं से दूर रहिए और कल आपको अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे आना है। अब कह रहे हो परिणाम कब आएगा, अब आज नहीं आ रहा, कल की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कल हम सब लोग वहां प्रयास करेंगे तो कभी भी परिणाम कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन कल का दिन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है लेवल 1 के लिए। और जब लेवल 1 का जारी होगा तब तेज गति से लेवल 2 का जारी होगा, क्योंकि लेवल 1 में देरी कर रहे हैं तो लेवल 2 का समय पे कैसे जारी करेंगे। इसलिए लेवल 2 के अभ्यर्थियों से नहीं होता ना, कल आप भी अधिक से अधिक संख्या पूछे क्योंकि आपकी भर्ती आचार संहिता में उलझने की संभावना है, इसलिए आपको पूरी ताकत लगानी होगी। और लेवल 1 के अभ्यर्थियों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे परिणाम जारी हो उसके 1-2 दिन बाद मैं बीकानेर पहुंच जाऊंगा और निदेशक मोदी जी से मिलकर तत्काल आपके जिला आवंटन के आदेश और नीति आदेश जारी करने की मैं कोशिश करूंगा। तो तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया में जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोलो, कोई तो कह रहा है कुपेन यादव जानबूझ के रोक रहा है। अच्छा, मैं बोर्ड से बड़ा हो गया, चेयरमैन और सरकार की इज्जत का सवाल है, चेयरमैन भी अच्छा काम करना चाहता है। आज एक सूचनाशाही का एक फेक आदेश जारी हुआ कि सूचनाशाही की 21 अक्टूबर को एग्जाम है, मैंने खुद ही निदेशक मोदी जी को व्हाट्सअप किया और मैंने सूचना दी कि साहब ये फेक है, उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और एक उसके बदले में एक आदेश जारी किया वेबसाइट चेक करते रहो। वो फेक आदेश के लिए उन्होंने संज्ञान लिया, वो मैंने खुद ने चेयरमैन साहब का अवगत करवाया और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कब होगा वो तारीख बताइए जिससे जल्द से जल्द जारी हो और तत्काल वो आपका डेटा बीकानेर निदेशालय भेजे। तो तमाम अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा इन लोगों की तरफ मत ध्यान दीजिए, शिक्षक भर्ती 12, 13, 16, 18, 21 हर भर्ती में युवाओं का साथ दिया, स्कूल में पूछाने का काम किया, ये कॉपी पेस्ट केवल आप लोगों के एकता को तोड़ने का काम करेंगे, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो। कल आपके दिन आपके लिए दिन महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण आपके भविष्य के लिए, तो आपको आना है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है, लोगों को बातों में बताइए, आप लोगों को कह दीजिए कब आएगा परिणाम, कल आएगा तो चलो हम कैंसिल कर देंगे, उनसे एक जिम्मेदारी तो तय करवा दीजिए। एक भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेगा, जब हमने कहा कि हमें आश्वासन मिला है 24 तक 25 तक परिणाम आ जाएगा, सब लोग 24-25 बोल रहे थे और आज जैसे सुबह मैंने वीसी में बोला कि नहीं आ रहा आगे जा रहा, तो सब कहने लगे आगे जा रहा, केवल ये कॉपी करते हैं, सच बताने का कर्तव्य मेरा था, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसका परिणाम निकलवाना, ज्वाइनिंग दिलवाना, वो करते हुए भी निभाऊंगा और अंतिम सांस तक आप लोगों का साथ दूंगा। तो तमाम अभ्यर्थियों से जो चाहते हैं उनके मां बाप के सपने पूरे हो, उनके सपने पूरे हो, आपको एकता बनाए रखनी है और कल एक दिन के लिए अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचकर और एक एकता का परिचय देना। वहीं पीटीआई भर्ती का जो 115 लोगों का जो वहां जो वापस अभ्यर्थियों को जांच के लिए भेजा था उसको प्रायोरिटी से आज जांच अलग टीम बनाकर, अध्यापक भर्ती का काम करने वाली टीम अलग है और पीटीआई भर्ती का काम करने वाले अलग टीम है, जो आज वो जांच कर रही है, शायद पीटीआई भर्ती का भी निस्तारण आज हो जाएगा क्योंकि निदेश
जो हमारे अध्यक्ष मोदी जी ने प्रायरिटी पे लिया, अध्यक्ष मोदी जी से कल मेरी बात हुई थी और उन्होंने प्रायरिटी को, प्रायरिटी पे पीटीआई भर्ती को आज लिया है और आज पीटीआई भर्ती का भी निस्तारण हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है जो अध्यापक भर्ती के लिए अलग से टीम लगी हुई थी वो काम पूरा क्यों नहीं कर पा रही, जो आश्वासन हमें 25 तक का मिला था। तो साथियों अब कल के लिए हमारे लिए बड़ा चुनौती पर दिन है हमारे लिए, एक क्योंकि चुनौती इसलिए है कि लोग जो मजाक बना रहे हैं कि अध्यापक भर्ती लेवल वन वालों को खुशियां मिलने वाली थी, लेवल टू का क्या होगा, तो लेवल वन के अभ्यर्थियों को खुशियां मिलेगी और लेवल टू के अभ्यर्थियों के सपनों को भी छीनने नहीं देंगे, उस भर्ती को भी आचार संहिता में नहीं उलझने देंगे, वो भी स्कूल में जाएंगे और 48,000 युवा बेरोजगारों का भला होगा। सभी से मेरा अपील है कल सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और अपना एकता का परिचय दे। धन्यवाद।